हेलो गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स आधार हाउसिंग फिनास लिमिटेड का जी एक अपकमिंग आईपी है जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है जानेंगे कंप्लीट अनालिसिस बिजनेस मॉडल फिनेंशियल कंडीशन परफॉर्मेंस जीएमपी कितना चल रहा है लिस्टिंग कितना मिलेगा अप्लाई कर या फिर अवॉइड कंप्लीट अनिस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं तो कैसे आईपीओ जो 8 मई को ओपन हो रहा है आज के दिन और 10 मई को क्लोज किया जाएगा 3000 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ जिसमें से 1000 करोड़ का फ्रेश इशू जो कि 3.17 करोड़ शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है 2000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल्स 6.35 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया थर्टींथ मे का लिस्टिंग डेट रखा गया फिफ्टींथ मे का बी एस सी दोनों में लिस्टेड होगा थ्री तु, टू थ्री हंड्रेड पर शे की प्राइस वैन फोर्टी सेवन के लॉट साइज आईसीआईसी सिक्योरिटीज सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी नोमुरा फिनांशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज़ एस कैपिटल मार्केट्स इसके लीड मैनेजर है के फिनटेक रजिस्ट्रार है ऑफर जो दिया गया है क्यू को 50 परसेंट एच को 15 परसेंट रिटेल को 35 परसेंट का ऑफर दी गई है बी सी पी टॉप को सेवन प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रोमोटर है प्री इशू होल्डिंग 98.72 परसेंट का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा बिजनेस की बात करें तो 2010 में इनकॉर्पोरेट किया गया था जो कि एक तरह का हाउसिंग फिनांस कंपनी है और ये जो है लोअर इनकम से मतलब जिनका इनकम लो है बहुत ही कम इनकम होता है जिनका उनको टारगेट करिए उस कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है इसके डीप जो है इम्पैक्ट इसके ब्रांचेज इम्पैक्ट डीप इम्पैक्ट ब्रांचेज जो है सेल ऑफिस है ड्री इंपैक्ट ब्रांचेस सेल ऑफिस है जो कि कस्टमर्स को इंडिया में टी इंडिया के टीयर फोर और टीयर फाइव टाउन्स में जो है कस्टमर्स को सर्व कर रही इसके है इसके सेल्स ऑफिस के थ्रू जो कि एम है कंपनी का और फीस सेप्टेम्बर के अकॉर्डिंग लगभग कंपनी जो है ट्वेल्व आधार मित्र एनरोल कर चुका है जो कि रेफरल फीस के मिल सकता है सोर्सिंग कस्टमर लोन्स जो है उसके लिए जो रेफरल फ़ीस वगैरह भी जो मिला है और कंपनी जो है वेराइटी ऑफ मॉड मॉडजेज लोन प्रोडक्ट्स कंपनी जो सो प्रोवाइड करता है रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए होम इम्प्रूवमेंट और एक्सटेंशन के लिए इसी डेटा के अकॉर्डिंग गाइस कंपनी के पास वास्ट नेटवर्क है फोर हंड्रेड सेवेंटी वन ब्रांचेज इसमें है और इसमें इंक्लूड है गाइस नाइन्टी वन सेल्स ऑफिस और ये सभी ब्रांचेज और सेल्स ऑफिस जो है ये ट्वेंटी स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज में फैला हुआ है स्प्रेड आउट है और कंपनी ये सोलह टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स पिन कोड्स के थ्रू जो है सो में जो है सो अराउंड ऑपरेट किया जा रहा है इंडिया में पूरे इंडिया में मतलब कह सकते हैं तरह से बिल्कुल पैन इंडिया कंपनी है तो और थर्टी सिक्स हंड्रेड नाइन्टी फाइव एम्प्लॉयज़ टोटल कंपनी में है और इसके सब्सिडरी जो है आधार सेल्स और सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो कि इसमें है एटीन हंड्रेड फिफ्टी वन एम्प्लॉयज़ कंपनी अराउंड अगर देखा जाए तो टू लाख फोर्टी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड एटी थ्री कस्टमर्स को नेशन वाइड सर्व कर चुका है फोर हंड्रेड सेवेंटी वन ब्रांचेज और ऑफिसिस के थ्रू वहीं हम इसके फिनंशियल की बात करें तो इनकम है फिफ्टीन हंड्रेड सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव करोड़ का जबकि प्रॉफिट है थ्री हंड्रेड फोर्टी पॉइंट फोर करोड़ का ट्वेंटी टू में सेवनटीन हंड्रेड ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव करोड़ का रेवेन्यू है फोर हंड्रेड फोर्टी सिक्स पॉइंट टू करोड़ का कर प्रॉफिट है ट्वेंटी थ्री में टू थाउजेंड फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव करोड़ का रेवेन्यू है फाइव हंड्रेड फोर्टी फाइव पॉइंट थ्री करोड़ का प्रॉफिट है नाइन मंथ्स ट्वेंटी फोर में एटीन हंड्रेड फाइव करोड़ का रेवेन्यू फाइव हंड्रेड फोर्टी सेवन पॉइंट एट करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ है बॉटम लाइन में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ है और स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रही है कुछ रिस्की पॉइंट है तो क्या है इसकी अगर नॉन परफॉर्मिंग मतलब एनपीए जो होता है ए यू एम मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट में अगर एनपीए में के लेवल में अगर कोई इंक्रीज होता है गाइज तो इसके बिजनेस कंपनी को बहुत बड़ा इफेक्ट कर सकता है क्योंकि किसी भी फाइनेस सेक्टर की कंपनी को के एन बहुत ज़्यादा मैटर करते गए इस और इसलिए इसमें एनपी अगर इंक्रीज होता है तो इसको इंपैक्ट कर सकता है और बिजनेस भी जो है अगर देखा जाए तो बहुत सारे रेगुलेशंस गाइडलाइंस इशू किया जाता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के द्वारा इंडिया में जिसमें इंक्लूड है एन एच बी आर बी आई इनके द्वारा जो सो रेगुलेशंस वगैरह जो है सो मतलब कि इशू किया जाता है और इसके कारण अगर बिजनेस कॉम्प्लाई कर कर चुकी है गाइज तो इसके कारण करती है तो थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है और हाईली कॉम्पेटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है क्योंकि देखिए कंपनी का जो बिजनेस है हाईली कॉम्पेटिव इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं जैसे स्टार हाउसिंग फाइंस हो गया पी हाउसिंग फाइनेंस हो गया बहुत सारे मतलब कि कैन फिन होम्स हो गया बहुत सारे फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में और इसलिए गाइज बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पेटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है चाहिए इस और निगेटिव कैश फ्लो पास्ट में रिपोर्ट कर चुका है वहीं अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का तो कंपनी ऑनवर्ड लेंडिंग की तरफ जो है सो कैपेक्स का रिक्वायरमेंट है कैपिटल रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में जो कि मीट करना चाहती जनरल कोर्ट पे वापस के लिए आई पी लाया गया अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो सिक्सटी सिक्स रुपीज का जीएमपी चल रहा है इसके अकॉर्डिंग थ्री हंड्रेड्रेड्रेड्रेड एटी वन रुपीजी पिस्टिंग होने के चांस है ट्वेंटी वन परसेंट का अच्छी लिस्टिंग मिल रही है मतलब एक डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रहा है ओवरऑल कंपनी जो है ये लीडरशिप है इस सेगमेंट मतलब की जो ऑपरेट कर रहा है लो इनकम हाउसिंग इस सेगमेंट में जो है एक लीडरशिप बना रखा है कंपनी और टॉप एंड बॉटम लाइन्स में स्टेबिलिटी ग्रोथ है इसलिए और ये जो है पैन इंडिया प्रेजेंस है और कंपनी जो है हाउसिंग फिनांस कंपनी जो है मेनी काउंट्स पर जो है बहुत सारे अकाउंट्स पर जो है इस पैक का एच हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पैक को जो है लीड भी कर रहा है ट्वेंटी फोरलिंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रिजनेबल प्राइस रखा गया और एक तरह समझिए समझिएगा इसकी एक लॉन्ग टर्म स्क्रिप है इस पोर्टफोलियो का और क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग इसलिए अगर वाइज आपको मतलब कि इन्वेस्टर जो है सो इसमें अप्लाई कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं इससे पहले पहले एक आया था आईपीओ पी ओ का हाउसिंग फाइनेंस तो आज बुरी तरह से कंपनी जो आई पी ओ जो सो फेल हो गया था लेकिन अब एल आई सी भी जो सो उतना परफॉर्म नहीं कर पाई थी अब इसका भी देखना है कि क्या कंपनी ये परफॉर्म कर पाती है या फिर नहीं लेकिन अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाय बाय